अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा खोया मेवा पराठा, जो बहुत ही हेल्दी और यूनिक और मज़ेदार सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खोया लेंगे, होममेड खोया है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। कुछ इसमें नट्स जाएंगे, पिस्ते, बादाम, अखरोट और शुगर। एक पेड़ा ले लेंगे, जो घर में नॉर्मल आटा से हम रोटियां बनाते हैं, इसके लिए कोई ख़ास आटा नहीं गूंदना, वही से नॉर्मल आटा है। एक रोटी बेलेंगे, बेलने के बाद उस पर घी लगा लें, मक्खन लगा लें, मैंने ऑयल लगा दी इसके ऊपर। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमें इस पर खोए को बारीक बारीक तोड़ के बिल्कुल इसके एक कॉर्नर पर फैला देंगे। एक कट लगाएंगे, इसी तरह हम चारों कोनों को भर देंगे। अब इसमें शुगर डाल रही हूँ, इतनी बिल्कुल ठीक है, बल्कि इससे थोड़ी कम डालूँ। ये नट्स हैं, आप चाहें तो इनको दरदरा सा कूट लें, बारीक कर लें या पाउडर फॉर्म में कर लें। अखरोट को दरदरा कूट लिए और उसके और जो पिस्ते और बादाम है उनको मैंने साबित ही रखा है। तो चारों कोने फिल हो गए हैं, एक के अंदर एक में हमने खोए को फिल कर दिए, शुगर है, अखरोट है, बादाम और पिस्ते हैं। थोड़ा सा खोया और ऐड कर लेते हैं। लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी है। इसे एक कोना उठाएंगे, कुछ समोसा शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरह शेप देने के बाद इसको हाथ से फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर लें। ये देखें, अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। तवे पे ऑयल लगा लिए, उसके बाद हम इस पर पराठा टर्न करेंगे, इसको अच्छे से सेक लेंगे हर जगह से, क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन सा हो जाए। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर। इसी तरह हमने हर कोना फिल करना है और बिल्कुल ट्रायंगल का उसे शेप आ गया इसमें, और नट्स भी नज़र आ रहे हैं। सबसे एंड में हमने नट्स डाले थे और आपको नज़र ही आ रहा होगा कि हमारा जो खोया मेवा पराठा है, इसमें मेवे डले वो भी नज़र आ रहे हैं। इसको अच्छे से सीरियसली, ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब पराठा है। इसको भी बना के देंगे ना, वो आपको दुआएं देगा। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे खुश हो जाएंगे लंच में लेके जाने के लिए। अगर टी टाइम में आप किसी भी गेस्ट के लिए बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिफरेंट सी चीज़ है। और अगर खाने के बाद मीठा आपने ट्राई करें तो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है और हर तरफ से हमारा जो पराठा है गोल्डन हो चुका है। ये है फाइनल लुक हमारे मज़ेदार से मेवा खोया पराठे की, और बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।